वेलकम बैक फ्रेंड्स, साई एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक फ्लोर पजल जो कि वेरिएबल के साथ होगी, और ये पजल जो है एसबीआई पीओ 2018 के एग्ज़ाम में इससे मिलती जुलती पजल पूछी जा चुकी है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर तो हमें मिलता नहीं है, तो ये बेस्ड है, लगभग कॉन्सेप्ट वही है, कंडीशंस वही हैं, और पजल लगभग लगभग सेम लेवल की ये पजल को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो की खास बात यह है कि ये सारी पजल और उसका सॉल्यूशन, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन और उसका पूरा का पूरा आंसर जो होगा वो प्योर हिंदी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि दोस्तों लगातार हमें रिक्वेस्ट मिल रही थी हिंदी के ऊपर क्वेश्चंस करवाने की, चाहे वो DI हो चाहे वो रीजनिंग हो। तो आज ये हमारा पहला प्रयास है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोग इसको लाइक करेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में हम और भी इसी तरीके के प्योर हिंदी लैंग्वेज के वीडियो पोस्ट करेंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंग्लिश के वीडियो आने बंद हो जाएंगे। इस चैनल के ऊपर SBI PO 2019 और SBI क्लर्क 2019 के लिए ढेर सारे वीडियोस आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे, तो वो वीडियो इंग्लिश में तो होंगे ही, जैसे कि पहले आपको इंग्लिश में सारा कंटेंट मिलता था, वो इंग्लिश में तो कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप हिंदी के कंटेंट की भी को भी अप्रिशिएट करेंगे तो वही क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी हम सॉल्व करके जरूर दिखाएंगे। तो आज ये पहला वीडियो है हिंदी के जिसमें हम पूरा पजल को, एक क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट भी हिंदी में करेंगे और उसको सॉल्यूशन भी हिंदी में ही प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको हिंदी का और कंटेंट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट हमें मिलेंगे हिंदी सेक्शन के ऊपर, हिंदी के कंटेंट के ऊपर, तो हम आगे आने वाले दिनों में हिंदी का कंटेंट आपको और भी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज कौन सी फ्लोर पजल को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर पजल हिंदी लैंग्वेज में फ्लैश हो रही है, आप इसको एक बार पढ़िए। 8 पेशेवर सुभी, शिवानी, सौर, संदीप, सतीश, शिवम, सुरभि और समर्थ इस प्रकार की एक 8 मंजिला इमारत में रहते हैं, जिसमें मंजिलों को नीचे से सीट्स तक 1 से 8 तक क्रमांकित किया गया है। उनके अलग अलग व्यवसाय हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार, व्यापारी, प्रबंधक, बैंकर, खिलाड़ी। अब ये दोस्तों पजल साफ क्लियर समझ में आ रही है कि 8 लोग हैं, वो एक 8 मंजिल की इमारत, 8 मंजिल की बिल्डिंग में रहते हैं, फ्लोर नंबर 1 से स्टार्ट होकर 8 तक है, और वो 8ों लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट व्यवसाय करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई कलाकार है, कोई व्यापारी है, कोई प्रबंधक है, बैंकर है, खिलाड़ी है। अब ये नीचे जो है ढेर सारी कंडीशंस दी हुई हैं, हमें इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए अपने सॉल्यूशन को निकालना है। दोस्तों, यहीं पर आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार खुद से कोशिश करिए, और उसके बाद वीडियो को आगे स्टार्ट करके इसका सॉल्यूशन देखिए। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, थोड़ी सी स्क्रीन में स्पेस बना लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने की जगह मिले। ये क्वेश्चन अभी शायद आप लोगों को विजिबल होगा आराम से। इसके बाद देखिए कंडीशंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उनको कोने में कहीं पर नोट डाउन करते हैं, और उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए पहली कंडीशन क्या कह रही है, प्रबंधक शिवानी के नीचे 3 मंजिलों के अंतराल पर रहता है। मतलब प्रबंधक शिवानी से नीचे रहता है और प्रबंधक और शिवानी के बीच में 3 मंजिलों का गैप है। तो ये कंडीशन हम नोट डाउन करते जाते हैं, सारी की सारी कंडीशन, शिवानी और प्रबंधक, ठीक है, इनके बीच में 3 का गैप है। और इसके बाद में क्या कह रहा है, शिवम एक खिलाड़ी है और वो अभाज्य संख्या मंजिल पर रहता है। अभाज्य संख्या का क्या मतलब हुआ, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर 1 से 8 तक टोटल हमारे पास मंजिल है, और शिवम जो है वो एक खिलाड़ी है और किसी अभाज्य संख्या मंजिल पर रहता है। मतलब कि 1 से 8 तक में हमारे पास कितनी अभाज्य संख्या आ रही हैं, 2, 3, 5 और 7। तो शिवम के बारे में 2 कंडीशन हमें अवेलेबल हैं। क्या, पहली बात तो शिवम जो है वो खिलाड़ी है, और दूसरी बात साथ ही साथ वो 2, 3, 5 या फिर 7 किसी एक फ्लोर पे रहता है, क्योंकि यही 1 से 8 तक में हमारे पास अभाज्य संख्या है। इसके बाद क्या है, कलाकार और खिलाड़ी 2 मंजिलों के अंतराल पर रहते हैं। तो कलाकार और खिलाड़ी,
ये 2 मंजिलों के अंतराल पर रहते हैं, इनके बीच में 2 का गैप है, कलाकार ऊपर हो सकता है या फिर खिलाड़ी ऊपर हो सकता है, कलाकार उसके नीचे हो सकता है, लेकिन जो गैप है वो 2 मंजिलों का ही रहेगा। इसके बाद कह रहा है सुभी डॉक्टर के ठीक ऊपर रहती है, डॉक्टर और इसके ठीक ऊपर, मतलब कोई भी गैप नहीं है, ये मैंने एरो दिखाया है कि कोई भी गैप नहीं है, एग्जैक्ट ऊपर है। सुभी जो है वो डॉक्टर के ठीक ऊपर रहती है। इसके बाद कह रहा है संदीप की मंजिल संख्या समर्थ की मंजिल संख्या से 2 गुनी है। संदीप की मंजिल संख्या, यानी हम यहां पर लिख लेते हैं इसको, संदीप की मंजिल संख्या जो है वो समर्थ की मंजिल संख्या से 2 गुनी है। तो यहां पे हमने 2 लगा दिया और ये हो गई समर्थ की मंजिल। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आगे क्या कह रहा है। समर्थ और डॉक्टर के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये वाली कंडीशन में पढ़ रहा हूं, समर्थ और डॉक्टर के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या समर्थ और सौर्य के बीच रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में 1 कम है। समर्थ और डॉक्टर के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या समर्थ और सौर्य के बीच रहने वाले डॉक्टरों में 1 कम है। समर्थ और सौर के बीच रहने वाली तुलना में 1 कम है। अब देखिए समर्थ और डॉक्टर, समर्थ और डॉक्टर के बीच की बात हो रही है और साथ ही साथ बात हो रही है समर्थ और सौर के बीच की। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। समर्थ और डॉक्टर के बीच, यहां पर जितने लोग हैं समर्थ और डॉक्टर के बीच में, वो समर्थ और सौर के बीच में से 1 कम है, यानी समर्थ और सौर के बीच में ये, ठीक है, समर्थ और सौर के बीच में 1 लोग ज्यादा हैं, तो मैंने वहां पर +1 बनाया है और समर्थ और डॉक्टर के बीच में 1 कम है। ठीक है, अब देखिए समर्थ और फ्रेंड्स, यहां पर एक करेक्शन है, ये जो कंडीशन जिसको हम अभी नोट डाउन कर रहे हैं, समर्थ और डॉक्टर के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या समर्थ और शौर के बीच रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में 1 कम है, यहां पर टाइप किया हुआ है, ये ओरिजिनल पजल में कम नहीं है, यहां पर ज्यादा है। इतना सा करेक्शन हमें याद रखना है, उस हिसाब से फिर हमें अपनी कंडीशन को नोट डाउन करना होगा। देखिए यहां पर हमने कंडीशन को भी रॉन्गली मार्क कर दिया है, इसको हम वापस फिर से एक बार ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम पजल को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए समर्थ और डॉक्टर के बीच में ज्यादा है, तो यहां पर हम +1 की जगह पर -1 कर देते हैं। ठीक है, समर्थ और डॉक्टर के बीच में 1 लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू समर्थ और सौर्य, यानी कि समर्थ और सौर्य के बीच में अगर कोई 1 बंदा बैठता है तो समर्थ और डॉक्टर के बीच में 2 लोग बैठेंगे, कुछ इस तरीके से समझिए। इसके बाद कह रहा है वकील व्यापारी के ठीक ऊपर रहता है, तो यहां पर आपका अगर व्यापारी है तो वकील ठीक इसके ऊपर रहता है। सुरभि इंजीनियर के ठीक नीचे रहती है, इंजीनियर और इसके ठीक नीचे आपकी सुरभि रहती है। और इसके बाद कह रहा है खिलाड़ी के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सुभी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो देखिए खिलाड़ी और इसके नीचे जितने भी लोग हैं वो इक्वल हैं किसके, सुभी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी हमारी कंडीशंस हो गई। अब इसके बाद में हम एक साइड में पजल को सॉल्यूशन, पजल के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपकी 8 नंबर पजल, 7, 6, 5, 4, ये सारी हमारी फ्लोर्स हैं, ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ये फ्लोर्स हैं। अब देखिए हम पजल को, अब यहाँ से हमारी कंडीशन सारी लिखी हुई है, पजल को हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सॉल्व हम कहाँ से करेंगे। देखिए यहां पर पोजीशन किसी भी व्यक्ति की या जितने भी ये लोग हैं इनमें से किसकी पोजीशन हम सबसे पहले फिक्स कर सकते हैं। देखिए एक ये वाली कंडीशन देखिए, संदीप की मंजिल जो है वो 2 गुनी है समर्थ की मंजिल से,
यानी कि समर्थ की मंजिल अगर हम क्लियर कट अंदाजा लगाएं तो एक, दो, तीन या फिर चार ही हो सकती है, क्योंकि अगर समर्थ पांचवी मंजिल पे रहेगा तो पांच का दुगना होता है 10, और 10वीं मंजिल हमारे पास है नहीं, तो समर्थ की मंजिल जो है वो एक, दो, तीन या फिर चार में से ही कोई एक होगी, क्योंकि ये इन्हीं के दो गुने अवेलेबल हैं, एक का दो गुना दो, दो का चार, तीन का छः और चार का आठ, पांचवें का फिर दो गुना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और दूसरा जो बंदा है वो हमारा है शिवम। शिवम एक खिलाड़ी है और वो किसी प्राइम नंबर की पजल पे रहता है, तो इसकी भी चार पोजीशन हो सकती हैं, दो, तीन, पांच और सात। तो हम स्टार्ट करेंगे शिवम से। शिवम जो है वो खिलाड़ी है और दो, तीन, पांच, सात में रहता है, तो ये चारों हमारे केसेस हो सकते हैं पॉसिबल। तो पहले हम दो वाला केस लेकर के चलेंगे कि शिवम जो है वो खिलाड़ी है और दो नंबर की पजल पे रहता है। तो हमने शिवम को पहली पॉसिबिलिटी यहां से ये उठा ली। इसके बाद देखिए अगली कंडीशन जो हम पकड़ सकते हैं। अब देखिए पजल को जब भी आप सॉल्व करिए वो देखिए कि जो भी कंडीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो फिर उससे कौन कौन सी कंडीशन रिलेट हो रही है। अब देखिए शिवम खिलाड़ी है और दूसरी नंबर पे रह रहा है, ये हम कंडीशन अभी पहला केस लेके चले। अगर दूसरे से हमारी पजल सॉल्व नहीं होगी तो हमें तीसरा लेना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम दूसरे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए खिलाड़ी से या शिवम से और कौन कौन सी कंडीशन रिलेट हो रही है, तो ये वाली कंडीशन हमारी रिलेट हो रही है कि कलाकार और खिलाड़ी के बीच में दो लोग हैं। ये जरूरी नहीं है कि कलाकार ऊपर है या खिलाड़ी ऊपर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी दो लोग रहेंगे। तो अब देखिए खिलाड़ी है दो नंबर पर, तो खिलाड़ी के नीचे कलाकार दो नंबर के बाद तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मंजिल ही नहीं है, फ्लोर ही नहीं है। तो खिलाड़ी के ऊपर हम कलाकार को ले जाएंगे दो मंजिल, यानी कि पहले मैं इस तरीके से एरो बना देता हूं ताकि फ्लोर नंबर हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए खिलाड़ी कहां पर बैठा है, दो नंबर पर, और इसके ऊपर दो पजल, दो फ्लोर अगर हम छोड़ दें तीसरी और चौथी, तो पांचवीं मंजिल पे कौन आ जाता है, पांचवीं मंजिल पे हमारा कलाकार आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये वाली पजल, ये वाली कंडीशन देखिए, खिलाड़ी के नीचे जितने लोग हैं सुभी के ऊपर उतने ही लोग हैं, ये वाली लास्ट वाली कंडीशन पड़ी है पजल में से। खिलाड़ी के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सुभी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। खिलाड़ी के नीचे कितने लोग हैं, एक, यानी कि सुभी के ऊपर कितने लोग रहेंगे, एक, तो सुभी कहां पर आ जाएगी, सात नंबर पे। सुभी को हमने सात नंबर पे बिठा दिया। इसके बाद डॉक्टर जो है वो सुभी के ठीक नीचे रह रहा है। अगर सुभी हमारी सात नंबर पे गई है तो डॉक्टर कहां पे आ जाएगा, छह नंबर पर। तो हमने डॉक्टर को छह नंबर पर बिठा दिया। अब इतनी पजल होने के बाद, ठीक है, अब हम कैसे चीजों को रिलेट करेंगे वो हमें देखना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि संदीप की मंजिल जो है वो समर्थ की मंजिल से दो गुनी है। अगर हम समर्थ को एक नंबर पर बैठाते हैं तो संदीप कहां पर जाएगा, दो नंबर पर, लेकिन दो नंबर पर शिवम पहले से बैठा हुआ है, यानी कि समर्थ एक नंबर पर नहीं बैठेगा। अगर हम समर्थ को दो नंबर पर बैठाते हैं तो पहले से ही शिवम बैठा हुआ है, ये भी पॉसिबल नहीं है, समर्थ दो नंबर पर बैठेगा ही नहीं, तो ये कंडीशन भी हमारी चली गई। अब आते हैं समर्थ को अगर हम तीसरे नंबर पर बैठाते हैं, ठीक है, तो समर्थ को मैंने बैठा दिया तीसरे नंबर पर, तो हमारा संदीप कहां पर जाएगा, छठे नंबर पर, यानी कि संदीप हमारा डॉक्टर हो जाएगा और वो छठे नंबर पर चला गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है समर्थ और शौर्य के बीच में एक लोग कम है, समर्थ और डॉक्टर के बीच में से, तो समर्थ और डॉक्टर के बीच में कितने लोग हैं वो देखना पड़ेगा, एक, दो लोग हैं। समर्थ तीन नंबर पर है और डॉक्टर छह नंबर पर है, यानी कि इनके बीच में दो लोग हैं समर्थ और डॉक्टर के बीच में, तो समर्थ और सौर के बीच में कितने लोग आएंगे, एक लोग। तो समर्थ तीन नंबर पर है तो शौर्य हमारा कहां पर जा सकता है, ये पांचवें नंबर पर जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन ये पढ़िए, अगर हम सौर को पांचवें नंबर पर लाते हैं तो सौर क्या हो जाएगा, कलाकार। और एक चीज क्लियर लिखी हुई है कि शौर्य जो है वो कलाकार नहीं है, ठीक है, शौर्य कलाकार नहीं है, ये चीज क्लियर लिखी हुई है यहां पर, शौर्य एक कलाकार नहीं है और मंजिल संख्या दो पर नहीं रह रहा है, तो शौर्य हमारा कलाकार नहीं है, ये कंडीशन फेल हो जाएगी।
समर्थ 3 नंबर पे है और समर्थ और सौर्य के बीच में एक लोग को बैठना है, तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम सौर्य को 1 नंबर पर बैठा दें। बैठा दिया, ठीक है। अब देखिए, सौर्य के लिए 2 कंडीशन थी कि सौर्य मंजिल संख्या 2 पे नहीं रहेगा और कलाकार नहीं है, तो सौर्य ना तो मंजिल संख्या 2 पे है ना कलाकार है। आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि वकील जो है वो व्यापारी के ठीक ऊपर बैठता है, वकील व्यापारी के ठीक ऊपर बैठेगा, तो व्यापारी को अगर हम यहां बैठाते हैं तो वकील यहां आता है, ठीक है। यहां पे पॉसिबिलिटी है और एक पॉसिबिलिटी यहां पे है कि अगर हम व्यापारी को यहां बैठाते हैं तो वकील इसके ठीक ऊपर आ जाएगा, और इंजीनियर से ठीक नीचे सुरभि रहती है। अगर हम वकील व्यापारी, या अगर हम वकील व्यापारी यहां पे 2 बैठा दें तो इंजीनियर के ठीक नीचे सुरभि, इंजीनियर अगर हम यहां पे बैठाते हैं तो सुरभि यहां नहीं आ सकती, इंजीनियर यहां बैठा लेंगे तो सुरभि यहां नहीं आ सकती। अगर वकील व्यापारी का कॉम्बिनेशन हम यहां नहीं बैठा पाएंगे, अगर हम वकील व्यापारी यहां पर बैठा देंगे तो फिर सुरभि नहीं बैठ पाएगी। अच्छा, अगर हम वकील व्यापारी, व्यापारी को यहां और वकील को यहां बैठा लें, सपोज दैट कि हम व्यापारी वकील यहां बैठा दें, वकील को 8 नंबर पर और व्यापारी को 7 नंबर पर, तो इंजीनियर के ठीक नीचे सुरभि, इंजीनियर यहां पर तो सुरभि समर्थ पहले से बैठा हुआ है, इंजीनियर यहां पर तो सुरभि यहां पर, यह भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि हम पहुंच गए एक डेड एंड पर, यहां से आगे हमें सॉल्यूशन अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए, समर्थ को हम कहां पर कंसीडर करके चले थे, पहले नंबर पे समर्थ नहीं बैठ सकता था, दूसरे नंबर पे नहीं बैठ सकता था, हमने तीसरे नंबर पर समर्थ को बैठाल करके पजल को सॉल्व करने की कोशिश करी जो कि नहीं हुई, यानी कि समर्थ तीसरे नंबर पर भी नहीं बैठेगा। अब हम समर्थ को बैठा लेंगे 4 नंबर पर, तो फिर से एक बार हम पजल को सॉल्व करेंगे। दूसरी मंजिल और ये पहली मंजिल, ठीक है। अब देखिए, फिर से वैसे ही जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। शिवम खिलाड़ी है और दूसरे नंबर पर बैठता है, तो ये हमने शिवम को ले लिया और शिवम खिलाड़ी है, उसको दूसरे नंबर पर बैठा दिया है। इसके बाद क्या कह रहा है, कलाकार और खिलाड़ी के बीच में 2 लोगों का गैप है, तो कलाकार आपका आ गया 5वें नंबर पर, ठीक है। इसके बाद अगली कंडीशन हमें कौन सी देखनी है, खिलाड़ी के नीचे जितने लोग हैं सुभी के ऊपर उतने ही लोग हैं, खिलाड़ी के नीचे 1 लोग तो सुभी के ऊपर 1 लोग, और सुभी के ठीक नीचे डॉक्टर बैठेगा, तो सुभी के ठीक नीचे हमने डॉक्टर को बैठा दिया। इतनी बजल तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि संदीप की मंजिल जो है वो समर्थ की मंजिल से 2 गुनी है, तो अब समर्थ ना तो 1 पे बैठेगा ना 2 पे ना 3 पे, तो समर्थ को हम बैठा लेंगे 4 नंबर पर। तो समर्थ जब 4 नंबर पर बैठेगा तो संदीप कहां पर बैठेगा, ऑटोमेटिकली 8वें नंबर पर संदीप बैठेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, समर्थ और डॉक्टर के बीच में कितने लोग आ गए, समर्थ और डॉक्टर के बीच में 1 बंदा है, यानी समर्थ और सौर्य के बीच में 1 भी बंदा नहीं होना चाहिए। समर्थ और डॉक्टर के बीच में कितने लोग हैं, देखिए समर्थ और डॉक्टर के बीच में 1 है ना, समर्थ 4 नंबर पे और डॉक्टर 6 नंबर पे, तो ये 5 नंबर वाला इनके बीच में है। अब कह रहा है समर्थ और सौर्य के बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सौर्य को अब हम बैठा लेंगे तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो हमने सौर्य को तीसरे नंबर बैठा दिया। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहां पे आपके दिमाग में आ सकता है कि समर्थ और सौर्य के बीच में कोई नहीं है, ठीक है, 4 नंबर पे अगर समर्थ है तो सौर्य को हम या तो 3 नंबर पर बैठा लें या 5 नंबर पर, लेकिन अगर हम 5 नंबर पे सौर्य को बैठालते हैं तो एक कंडीशन हमारी वायलेट हो जाती है कि सौर्य एक कलाकार नहीं है, अगर हम 5वें नंबर पे सौर्य को बैठा देंगे तो वो कलाकार हो जाएगा, ठीक है, तो सौर्य को तीसरे नंबर पर बैठाल दिया है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, देखिए व्यापारी के ठीक ऊपर वकील बैठेगा, व्यापारी वकील पॉसिबल है, ठीक है, तो व्यापारी इसके ऊपर ठीक ऊपर आपका वकील बैठ गया, और कह रहा है कि इंजीनियर से ठीक नीचे सुरभि बैठेगी, अगर हम इंजीनियर को यहां बैठा लेंगे तो सुरभि यहां, लेकिन वहां सुरभि पहले से बैठी हुई है, तो इंजीनियर 7 नंबर पे और उसके ठीक नीचे सुरभि 6 नंबर पे, ये पॉसिबल है ना,
तो सुरभि को हमने यहां बिठा दिया। इसके बाद में अगली कंडीशन जो सबसे ऊपर लिखी है, शिवानी से तीन नीचे प्रबंधक बैठा हुआ है, तो शिवानी हमारी आ गई पांच नंबर पे और एक दो तीन प्रबंधक हमारे आ गए यहां पर। ठीक है, अब प्रबंधक कौन होगा, सारे नाम देख लीजिए, कौन सा बच गया है, तो बच गया है सतीश, तो सतीश हमारा मैनेजर हो जाएगा। और यहां पे लास्ट जो प्रोफेशन रह गया है कौन कौन सा, ये वाला प्रोफेशन अभी रह गया है बैंकर, तो हमारा संदीप जो है वो बैंकर हो जाएगा। तो ये था इस पजल का फाइनल सॉल्यूशन। ये एक फ्लोर पजल थी दोस्तों, इसमें देखिए बहुत सारे केसेस बन रहे थे, लेकिन फिर भी हमें इस पजल को हमने जल्दी से जल्दी सॉल्व किया। आपको हमेशा पजल स्टार्ट करनी है एक डेफिनेट स्टेटमेंट से, जैसे हमने शिवम खिलाड़ी है और वो दूसरे तीसरे पांचवें या सातवें माले पर कहीं पर भी बैठता है, और फिर उसको रिलेट करते जाना है कि कौन सी कंडीशन, उस बेसिक जो हमारी डेफिनेट कंडीशन है जहां से हमने स्टार्ट किया है वहां पर कौन सी कंडीशंस आगे रिलेट हो रही हैं। हमेशा आप पजल को इस तरीके से करिए तो जरूर सॉल्व होगी दोस्तों। एसबीआई पीओ 2019 और एसबीआई क्लर्क 2019 के फॉर्म्स आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी इस चैनल पर अभी से हम लोग शुरू करा रहे हैं। और ये सारा कंटेंट, जैसे आपको ये पजल आज हिंदी में मिली, आगे भी अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है हमारी तरफ से, अगर आपको ऐसे ही आपको ये हिंदी का कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको और भी हिंदी में कंटेंट चाहिए, तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमें बताइए या फिर हमें मेल करिए कि आपको और भी हिंदी के वीडियो चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, या फिर अगर आज के हिंदी के वीडियो के ऊपर मैं कहूं तो इस वीडियो को पसंद जरूर करिए, लाइक की बटन जरूर दबाइए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों की प्रिपरेशन करेंगे और उसके बहुत सारे वीडियोज, अच्छी क्वालिटी के अच्छे कंटेंट के वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे।